हम लोग इस मुख्तसर सी महफिल में भी इकट्ठा हुए हैं। हमारे मेहमान खुसूसी प्रोफेसर अहमद नसीब साहब तशरीफ रखते हैं। इस मुख्तसर सी एजाजी नशिस्त में हमको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا प्यारे बच्चों, हमारे लिए बड़े खुशी की बात है इस वक्त हमारे बीच में दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के शोबे लॉ के मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीम साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी शख्सियत यकीनी तौर पर किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी से आपका लंबे से ताल्लुक रहा है, अलीगढ़ से आपने तालीम हासिल किया है और इस वक्त आप समाज के लिए और मिल्लत के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। मुस्तकिल तौर पर आप के मशवरे से जो यहाँ के लाखों लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं। हमारे बीच में हमारे मुअज्जिज़ मेहमानों में बरादर मुअज़्ज़म इंजीनियर शमचंद मर साहब, इस कॉलेज के जॉइंट सेक्रेटरी डिप्टी मैनेजर मोहतरम जनाब हसन जमाल बबुआ भाई, इस कॉलेज के सबसे सीनियर काउंसलर और अंजुमन इस्लामिया के प्रिंसिपल हाफिज़ डॉक्टर रफीउल्लाह बेग साहब, जनाब मोहम्मद अजीम साहब, जनाब सैयद शहाबुद्दीन साहब और हम सबके बहुत ही अजीज़ ब्रदर आसिम रऊफ साहब हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे बहुत बचपन के साथी और मशहूर अनाउंसर जनाब फर्रुख जमाल साहब भी इस वक्त स्टेज को रौनक बख्श रहे हैं। तो हम सबसे पहले कॉलेज के डिप्टी मैनेजर जनाब हसन जमाल बबुआ भाई से गुजारिश करेंगे कि आप बुके देकर हमारे आज के मेहमान खुसूसी हमारे आज की जलसे की सदारत कर रहे मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीम साहब को एक बुके पेश करें। कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब जफर अहमद खान साहब, इस पूरे रिजवानुल हक साहब से हम गुजारिश करेंगे कि आप लोग शॉल मोमेंटो देकर हमारे मेहमान का एजाज करें। जरूरत नहीं है उनकी जरूरत।
इशा की अजान हो चुकी है, वक्त की बहुत कमी है और हमारा अगला जो नातिया मुकाबला इंशाअल्लाह 7:30 बजे से शुरू होगा, इसमें मेहमान खुसूसी हैं जनाब हसन जमाल बबुआ भाई, मोहम्मद अजीम साहब और मोहतरम जनाब आसिम रऊफ साहब। तो हम अपने मेहमान खुसूसी से गुजारिश करेंगे कि चंद अल्फाज हमारे बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आकर यहाँ बयान करें। हमारे मेहमान आज की सदारत कर रहे हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद नसीम साहब। डाइस पे तशरीफ फरमा। इस स्कूल के इस कॉलेज के मैनेजर हारिस भाई, मेरे अलीगढ़ के ताल्लुक से बहुत सीनियर इंजीनियर शमशनवर साहब, आसिम रऊफ साहब, जनाब रफीउल्लाह बेग साहब, जनाब हसन जमाल साहब और दीगर तब तक जो भी खला बचता है मोहम्मद फरीद से गुजारिश करता हूँ एक नाद पेश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी आंखें तरसती हैं या रब, मेरी आंखें तरसती हैं या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे, प्यार से जिंदगी देने वाले मुझको प्यारे नबी से मिला दे। मेरी आंखें तरसती हैं या रब, मुझको बागे मदीना दिखा दे। करबला हस्ती बोले बिलाले
जी मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, मैं न छोड़ूंगा दामन नबी का, बेहया चाहे जितनी सजा दे प्यार से और शुरका शरायत का भी ध्यान रखेंगे, 5 अशार से ज़्यादा ना हो और 5 मिनट से ज़्यादा किसी हाल में भी टाइम ना लिया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बुला लो फिर मुझे उनको नबी आ गए बंदगी आ गई, जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस जमीन पर नई रोशनी आ गई, इस नई रोशनी आ गई, अब दिलों में अदावत ना बाकी रही, अब दिलों मुस्तफा आए बार अंदर बार आए।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Yeah।